नदार है, सारी पार्टियां इसके आगे लुप्त हो गई है, पानी है उसकी बहुत कमी है और जल्दी हम विवाद कैनाल का कार्य शुरू करेंगे। क्षेत्र और हमारा गुड़गांव जिला, तो ये है कि पूरे हरियाणा में नहीं देश में नंबर वन भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो मेवात में और सभी जगह हरियाणा में देश में है। बीजेपी नेता व वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर हुसैन ने कहा कि मेवात में जल्द ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए मेवात कैनाल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं जल्द ही बीजेपी भारी संख्या में मेवात में उद्योगों का निर्माण करेगी, जिससे गुरुग्राम व मेवात एशिया में नंबर वन कहलाया जाएगा। जाकिर हुसैन ने कहा कि इस समय बीजेपी के सामने सभी राजनीतिक पार्टियां लुप्त हो चुकी हैं। मेवात से लेकर पूरे भारत में बीजेपी का ही झंडा लहराया जाएगा। बीजेपी नेता जाकिर हुसैन को वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाने पर सोहना बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह रोक कर अभिनंदन समारोह किए। मैं आपके माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहूँगा जो उन्होंने ये इतनी बड़ी इज्जत और मान सम्मान मुझे दिया है। और इलाके की 36 बिरादरी की भी, पूरे हरियाणा में सबका आभार करूँगा कि जिनके प्यार से और आज जितना भारी सब ने जो अपार प्यार और सहयोग दिया है, स्वागत का इसका भी धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पर बीजेपी नेता जाकिर हुसैन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व 36 बिरादरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, वह अपने इलाके में बड़ी समस्याओं को जल्द ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। मेवात में इस समय पीने के पानी व सिंचाई के पानी की काफी किल्लत है, जिसको लेकर काफी समय से प्रयास कर रही हैं। जल्द ही मेवात कैनाल का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद मेवात में पानी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र में काफी संख्या में बड़े उद्योगों आने शुरू हो गए हैं। अधिक संख्या में उद्योगों के आने से गुरुग्राम व प्रदेश में यह इलाका नंबर वन कहलाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कुछ किरायेदारों का डिस्प्यूट है जिसे मिलजुल कर सुलझा लिया जाएगा। मेरी प्राथमिकताएं जो पहले थी आज भी वही है, लेकिन आज जिम्मेदारी बढ़ गई है। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी सबसे पहले होगी कि इस इलाके में मेवात क्षेत्री नहीं, हमारे दक्षिण हरियाणा में चाहे इरवाल की बात हो चाहे मेवात की बात हो, कि हमें इसके अंदर सिंचाई का जो पानी है उसकी बहुत कमी है और जल्दी हम मेवात कैनाल का कार्य शुरू हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर भी किया हुआ है कि उससे यहाँ भरपूर पानी मिले पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी। और मेवात में हमारा ये प्रयास रहेगा श्री मनोहर लाल जी की सरकार का कि मेवात में भारी उद्योग आए, और जो बहुत से उद्योगों के प्रस्ताव भी आ रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे एक्सप्रेस वे बनने के बाद और नुहू से अलवर को 4 लेन की मंजूरी के बाद KMP के साथ रेलवे लाइन भी बन रही है, आप सभी जानते हैं, और भी बहुत काम हो रहे हैं, तो भारी उद्योग यहाँ आए और यहाँ के लोगों को इतना भारी रोजगार मिले कि हमारा मेवात क्षेत्र और हमारा गुड़गांव जिला, तो ये है कि पूरे हरियाणा में नहीं देश में नंबर वन हो, इस तरह मेरा प्रयास करने के। कोर्ट की जमीनों को लेकर कोई राजनीतिक मुद्दा भी मेरे सामने तो आया नहीं है, तो किराएदारों का कोई इस तरह का कोई डिस्प्यूट अगर कहीं होगा उसको हम बिठा के सुलझाने की कोशिश करें। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल कि मेवात में बीजेपी के जनाधार कैसा रहेगा, इसका जवाब देते हुए जाकिर हुसैन ने कहा कि प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं होती। आज जिस तरह उनका गुरुग्राम के राजीव चौक से लेकर मेवात तक अभिनंदन समारोह हो रहा है, जगह जगह बीजेपी के ही झंडे लहरा रहे हैं, आने वाले सभी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के सामने लुप्त हो जाएंगी। मात्र बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी होगी जो राजनीति में एक बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी होगी। बाकी हमारे सामने आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि राजनीतिक मुद्दा बना, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने है कि पूरी मेवात गुड़गांव राजीव चौक से लेकर आज नुहू और फिरोजपुर छिड़का एक हुआ है, तो
तो आप और भारतीय जनता पार्टी का परचम और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, तो इससे बड़ा और किसी भी पार्टी का जनाधार नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, सारी पार्टियां इसके आगे लुप्त हो गई है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो मेवात में और सभी जगह हरियाणा में देश में है, मोदी जी के और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व। हालांकि अभिनंदन समारोह के दौरान ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ती दिखी, लोग बिना हेलमेट के दुपहिया वाहनों को दौड़ाते हुए दिखे, वहीं लोग चार पहिया वाहनों की छतों पर बैठे दिखे और पुलिस मूक दर्शक बनकर उनकी हिफाजत करती दिखी। सोना से हरियाणा वरदान के लिए विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।